हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम, वीमेन सेफ्टी ऐप से बात कर रही हूँ, क्या हेल्प चाहिए आपको? मैंने ना राइड बुक कराई थी, मैं एक्सपो सेंटर से ना मनावा की तरफ जा रही हूँ। मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, मुझे रास्ते का नहीं पता, तो वो जो लोकेशन मुझे शो हो रही थी ना, तो वो ये इधर ये ट्रांसपोर्ट वाले ने, रिक्शा वाले ने जो है ना वो टर्न चेंज की है, तो मुझे बिल्कुल भी वो मैप ही चेंज हो गया है ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरफ। ठीक है मैडम, मेरे पास आपका एड्रेस आ रहा है, आपने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी हुई है, हमारे पास आपकी डेस्टिनेशन सारा एड्रेस शो हो रहा है। आप ऐसा करें, मुझे रिक्शे का नंबर सेंड कर दें, हम आपको ट्रैक कर लेंगे। अगर रिक्शे वाला कहीं और मूव करेगा तो हम आपको हेल्प भेज देंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भेज देंगे। मैडम आप परेशान नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपको रिक्शे का नंबर और जो जिस नंबर पे कांटेक्ट किया था उसने मैसेज में अपना पर्सनल नंबर भी दिया था, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँ। जी जी ठीक है मैडम, आप शेयर कर दें, आप बिल्कुल सेफ फील करें, मैं आपको वॉच कर रही हूँ। शुक्रिया। ओके मैडम, थैंक यू फॉर यूजिंग वीमेन सेफ्टी ऐप। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम वी टू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशा अवान। नाजरीन, जैसा कि अभी अपने कॉल में सुना कि किस तरह एक खातून को मदद दरकार थी और किस तरह हमारी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ने उनकी बर वक्त जो है मदद की और उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास हुआ, यही मिशन था आईजी पंजाब का कि खवातीन को ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ बनाया जाए, और इसीलिए जो है वीमेन सेफ्टी ऐप का इनकाद किया गया। और अब जो है पंजाब भर में खवातीन खुद को ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं वीमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए, तो वो कौन मैसेज रिसीव करता है और किस तरह आप इनके फीचर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ पुलिस कम्युनिकेशन हुमैरा मौजूद है, ये उनसे जानते हैं कि किस तरह की कॉल्स आती हैं, बर वक्त मदद को फ्राहम करने को कैसे इंश्योर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हुमैरा, मुझे बताएं कि किस तरह की कॉल्स आती हैं और किस तरह जो है इंश्योर करती हैं कि बर वक्त जो है उनको मदद फ्राहम की जाए। मैडम, डिफरेंट कैटेगरीज़ की कॉल्स आती हैं हमारे पास, घर के इशूज़ से लेके बाहर तक, लाइक वो वीमेंस को कोई हरासा कर रहा है, वो बाहर जा रही हैं, कोई लड़का तंग कर रहा है, मतलब बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस जा रही होती हैं, तो कोई हुटिंग कर देता है, वो फ़ौरन वाईफाई पे कॉल करने के बजाय अगर उनके पास मोबाइल में वीमेन सेफ्टी ऐप, मेरे ख्याल में हर लड़की के मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है, वो हमें एक मैसेज करती हैं, हम यहाँ पे 24 आवर्स उनके हेल्प के लिए बैठे होते हैं, ठीक है, हम उनकी लाइव लोकेशन देख लेते हैं, उनको महफूज, उनको तहफ़ फील करवाते हैं कि हम आपको वॉच कर रहे हैं, किसी किस्म के भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर आपको पुलिस की मदद की भी ज़रूरत हुई तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर भेज देंगे, तो वो महफूज फील करती हैं। आपको पता है वैसे भी अगर कोई फीमेल जा रही हो तो अगर कोई उसका जब तक मेल मेंबर कोई साथ नहीं है वो थोड़ा अनसेफ होती है, सेफ महफूज नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो कहे कि मैं वीमेन सेफ्टी ऐप या 15 पे कॉल कर रही हूँ, पुलिस आ रही है, तो वो दूसरा बंदा भी हेजिटेट करेगा, वो जगह ही छोड़ के भागेगा पुलिस को पहुंचने से पहले भी। अच्छा, ऐसा भी होता है। मेरा सिर्फ जो वीमेन सेफ्टी ऐप है उस पर मैसेज ही आ सकता है या कॉल भी आ सकती है? मैम, यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस आते हैं। अच्छा। वो हम देखते हैं कि किस तरह का इशू है, अगर गार्डन से हल हो जाता है ठीक है, नहीं तो अगर लाइक इनलास के मसले हैं, घर का कोई झगड़ा है, झगड़ा है या नंबर को हरासा कर रहा है, तो हम उनको कॉल करके बकायदा उनका 15 पे केस बना देते हैं और उसको प्रायोरिटी पे पुलिस डील करती है, क्योंकि ये वीमेन सेफ्टी ऐप की तरफ से मैसेज आता है। अच्छा, वीमेन सेफ्टी ऐप पे जब मैं हूँ, मैंने अलर्ट का बटन दबाया और मैंने आपको सिर्फ मैसेज किया, उसके बाद मेरे नंबर पे आप खुद कॉल करेंगी? जी मैम, अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल घर में बच्चे ही सिर्फ वीमेन सेफ्टी ऐप खोल के उस बटन को प्रेस कर देते हैं, हमारे पास तो मैसेज आ जाएगा, अगर वो कुछ टाइप ना भी करें, लोकेशन आ रही होती है तो हमें ये फील होता है, मतलब एज अ मतलब हम बैठे हुए हेल्प के लिए, हम फौरन नंबर तो आ रहा होता है, लोकेशन आ रही है, हम कॉल करके पूछ लेते हैं। अच्छा। तो वो अक्सर कह देते हैं कि टेस्टिंग के लिए कर रहे थे या किसी बच्चे ने कर दिया, अक्सर यहाँ पे मेल हजरात भी करते हैं। अच्छा, मेल हजरात क्यों करते हैं? मेल हजरात भी करते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि ये वाकई में वर्किंग भी हो रही है, वीमेन के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी है, वो भी अपने इश्यूज बता सकते हैं। अच्छा, तो वो भी आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे आप जो है वो वीमेन के केस हैंडल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह के केसेस जो है वो किस टाइम स्पेंड में सबसे ज्यादा आते हैं?
इसमें टाइम स्पैन का नहीं है, किसी भी टाइम किसी को किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो सकती है, या दिन हो या रात हो, ठीक है। ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, कि मतलब फीमेल्स को घर में जो से इन लॉज के हो सकते हैं, घरेलू हो सकते हैं, तशद्दुद के मसले होते हैं। इसके अलावा मतलब सिर्फ ये वीमेन सेफ्टी ऐप इन्हीं मसलों के लिए नहीं है, किसी को अगर लीगल हेल्प चाहिए उनको भी हम गाइडेंस कर। अच्छा, मतलब उन्हें नहीं पता कि अब मैं अपने केस को कैसे परस्यू करूं? जी, अक्सर आपको पता है पुलिस वो मामले हैंडल नहीं कर सकती, घर के मसले हैं तो वो घर में घर वाले बैठ के हल करेंगे। जैसे मियां बीवी के मसले होते हैं, डिवोर्स वगैरह के, इस तरह के भी हमारे पास इश्यूज आते हैं। मतलब लड़की हर तरह का मसला आपके साथ शेयर कर सकती है? हाँ जी, उनको प्रॉपर हम गाइड कर देते हैं, लीगल हो तो कोर्ट के साथ उनका रिज्यू करवा देते हैं। अच्छा, मतलब अब देखें, किसी को बंदा फेसबुक पे या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे तंग कर रहा है और वो आपको मैसेज करती है कि मुझे ये तंग कर रहा है, उसके बाद आप उसको आगे क्या लीगल उसकी प्रोसीडिंग करेंगी? अगर तो ये तो बेसिकली साइबर क्राइम का इशू है, फिर आप उसे कहाँ रेफर करेंगे? हम उनको FIA के पे रेफर कर देते हैं, उनको मतलब बकायदा बता देते हैं कि आपका मसला FIA का है। अक्सर लड़कियाँ कहती हैं कि हमारी वीडियोज़ हैं वायरल कर देंगे ऐसे, तो उनको हम बकायदा गाइड करते हैं, FIR का भी बताते हैं। अक्सर फीमेल्स नहीं करवाना चाहती लीगल। अच्छा। इस तरह से एक्शन वो FIA को, आपको पता है FIA तो फिर हिडन तरीके से अपनी सारी कार्रवाई। अच्छा अच्छा, मेरा जब एक कॉल आई या आपके पास मैसेज आया वुमेन सेफ्टी ऐप का और आपने देखा कि ये इसे गाइडेंस चाहिए थी, उसे रास्ता चाहिए था, जी, उसकी लाइव लोकेशन ट्रेस हो रही होती है या सिर्फ वही लोकेशन होती है जहाँ पर बैठ के उसने आपको मैसेज किया था? मैम, जहाँ पे बैठ के वो हमें मैसेज करती है ना, बेसिकली वही हमारे पास लोकेशन आ रही होती अच्छा, है। अच्छा, उसके बाद वो अगर मूव कर रही है, मतलब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं अपने ऑफिस से घर जा रही हूँ, तो मैंने बैठ के मैसेज किया अपने ऑफिस में और अब मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मैं मेरी जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ आपके पास क्या लाइव लोकेशन आएगी? जी मैडम, वो हमें अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस बता देते हैं। कोई अगर फीमेल गैर महफूज फील कर रही है तो मैं उनकी लोकेशन वगैरह हम ट्रैक भी कर लेते हैं। अच्छा, खुद ट्रैक कर लेते हैं? अच्छा, ये ऑप्शन भी है कि आपके पास उनकी लाइव लोकेशन आ रही है? लाइव लोकेशन। अच्छा, तो जुबान का बड़ा मसला होता है, बाज लोगों को मतलब लड़कियाँ इतनी नहीं पढ़ी लिखी होती हैं कि उन्हें इंग्लिश लिखना नहीं आती, तो हर तरह की जो लैंग्वेज है उसमें कर लेती हैं। ऐसा ही है, उर्दू में ज़्यादातर वो जो रोमन जैसे मैसेजेस पे यूज़ होती है उसी में ही आ रहे होते हैं। अक्सर फीमेल्स इंग्लिश में भी बात कर लेती हैं, जिस तरह से भी हो हम उनको मतलब रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अच्छा, और इसके फीचर्स के बारे में बताइए कि ये जो डैशबोर्ड खुला है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये क्या शो कर रहा है? डैशबोर्ड बेसिकली ये हमारे एंड पे होता है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स ने अब तक ये ऐप डाउनलोड कर लिया वो 1,10,261 है। अच्छा, ठीक है। इनमें से टोटल मेल यूजर्स हैं जो वो 52,785 हैं, 50 प्लस ही वुमेन्स हैं हमारे पास। अच्छा, 50 मतलब हाफ हाफ है, हाफ मेन ने किया हाफ वुमेन ने किया। और ये अदर्स वो आ रहे हैं जिन्होंने अपना कोई भी जेंडर शो नहीं किया, लाइक मेल या फीमेल सिलेक्ट नहीं किया, तो वो अदर्स में हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 138 है। अच्छा, ये टोटल केस जो है आज के दिन के आ रहे हैं या ओवरऑल मेन केसेस आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये टोटल केसेस ओवरऑल। अच्छा, मेरे इस ऐप के और कौन से फीचर हैं हमारे नाज़रीन को बताएं? जी, इसके अलावा इसके ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इमरजेंसी रिस्पॉन्ड के बटन्स हैं। आप हाईवे को डायरेक्टली बटन दबाएंगे, आपकी हाईवे पे कॉल मिल जाएगी, मोटरवे की अगर इसी तरह मोटरवे पे जा रहे हैं तो मोटरवे को कॉल मिल जाएगी, बस बटन दबाना है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आप वीमेन सेफ्टी ऐप पे अपने किसी आप जा रहे हैं रस्ते में किसी भी किस्म का, आपको किसी और डिपार्टमेंट को आपने मैसेज करना है, आप डायरेक्टली एक बटन दबाएं, आपकी कॉल डायरेक्टली उनके डिपार्टमेंट तक पहुँच जाएगी और आपको वो वाले डिपार्टमेंट मतलब इंटीग्रेटेड है ये सिस्टम। अच्छा सारा। अच्छा, हमारे एक इसका एक बटन था, उसमें था कि विमेन कमीशन। हाँ जी, विमेन कमीशन का जो बटन है बेसिकली वो ये है कि आपको अगर किसी किस्म की लीगल हेल्प चाहिए, कानूनी हेल्प चाहिए, तो वो आप उस बटन को क्लिक करें। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर कोई औरत है उसे शेल्टर चाहिए तो वो वुमेन कमीशन का बटन दबाएगी तो वो उनके डिपार्टमेंट में कॉल उनकी कॉल मिल जाएगी या मैसेज आएगा, वो जैसे हम अलर्ट होते हैं वो भी अलर्ट होके उनको फीडबैक देंगे या मतलब रिप्लाई करेंगे जल्दी रिस्पांस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई मैसेज अगर आप देना चाहती हैं या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आप बताना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को वो भी बताइएगा। बेसिकली यही है कि अगर देखा जाए ये हमारे पास अगर कोई गलती से भी बटन प्रेस कर देता है, लाइव लोकेशन पे क्लिक कर देता है, तो वो हमारे पास तो आ जाती है, हमारा हम अलर्ट हो जाते हैं, पूरा डिपार्टमेंट अलर्ट होता है कि किसी को किसी किस्म की अभी हेल्प चाहिए होगी। बिल्कुल, ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि
बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें, आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस ऐप को यूज़ किया जाए। थैंक यू सो मच मेरा, थैंक यू। आपने बताया कि किस तरह वुमेन सेफ्टी ऐप काम करती है और किस तरह जो है वो हमारी खवातीन आज के दौर में इतनी सिक्योर हैं और ख़ुद को सेफ महसूस करती हैं। अगर आपने वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड नहीं की तो उसे ज़रूर डाउनलोड करें और आपको बर वक्त और सिक्योरिटी का एहसास पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।